2020 का एक्चुअली पेपर ही बहुत आसान था यार, ठीक है, क्योंकि सारे मेडिकल एग्जाम एक ही नीट में ही हो रहे थे, एम्स वगैरह सबका कंबाइंड पेपर आया था। तो फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओरिजिन, टॉर्क किसी पॉइंट पे लेते हैं या किसी एक्सिस पर लेते हैं, तो चलो ये मेरा रहा ओरिजिन और ये रहा मेरा फोर्स वेक्टर। टॉर्क निकालने के लिए तो फोर्स तो होना ही चाहिए भाई, तो फोर्स 3 J कैप, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर आ गया हमारा 2 K कैप, ठीक है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है डिफिनेशन, याद है, आर पोजीशन वेक्टर, अब इन दोनों का क्रॉस निकालना। आई होप कि जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उन सबको आता होगा यार, 2 K कैप और मल्टीप्लाइड बाई 3 J कैप, ठीक है। जब क्रॉस निकालोगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6। अब K क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस J याद करो, अगर आप थोड़ा सा भी वेक्टर पढ़े होगे आपको, तो इधर I रहता है, इधर J रहता है, इधर K रहता है। तो जब हम ऐसे चलते हैं I क्रॉस J करते हैं तो क्या होता है, प्लस K होता है, ठीक है, और K क्रॉस I करेंगे तो प्लस J होगा, लेकिन जब उल्टा जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाता है। तो अभी है K क्रॉस J, तो K क्रॉस J मतलब उल्टा चले गए, मतलब माइनस आई कैप, दैट इज K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस आई कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप, इतना सोल्यूशन हो जाएगा, -6, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है ना। इंटरेस्टिंग बात देखो, आसान क्वेश्चन, कितना आसान।